जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक अलग शोबा होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा होता है उसके डिफरेंट सेक्शंस में काम करता है तो आज के इस मॉड्यूल में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है कि नॉलेज मैनेजमेंट का जो काम है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से होता है या इन अदर वर्ड्स हम यूँ ये सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी उसमें क्या खसूसियात होंगी कि जिसके बारे में हम कह सकें कि वो नॉलेज मैनेजमेंट का काम कर रही हैं वेयर आर के एम टीम्स ये जो टीम्स होती हैं ये होती कहाँ हैं तो के एम टीम्स कैन बी फाउंड इन इन डिस्परेट बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटजी यूनिट्स कि नॉलेज मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इसका एक अलग यूनिट हो ये डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट्स हैं जो कि इससे रेलीवेंट हैं वहाँ पर ये टीम्स पाई जा सकती हैं इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब हम कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट का काम कर रही है तो उसमें फिर क्या खूसियात होंगी देर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ह्यूमन नेटवर्किंग दैन फार्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इसमें फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो हर जगह होता ही है लेकिन इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर है इनफॉर्मल जो नेटवर्किंग है स्टाफ की उसको ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी दी जाती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो नॉलेज मैनेजमेंट के काम पर बिलीव करती हैं उसके बाद है लीडरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड कि के एम स्पेशलिस्ट इन वन बिजनेस यूनिट मे लीड ऑन वन आस्पेक्ट ऑफ के एम वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन अदर आस्पेक्ट ऑफ के एम रिजाइड एल्सवेर इसमें ये होता है कि जो के एम से रिलेटेड लीडरशिप है जो इसका स्टाफ है वो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि एक यूनिट में काम एक शख्स कर रहा है जबकि के एम से रिलेटेड काम जो है वो दूसरा शख्स किसी दूसरे यूनिट में कर रहा है इंडिपेंडेंटली इसके बाद है क्लियर विजन एंड सेट ऑफ प्लान और प्रायोरिटीज़ प्रोवाइड द यूनिफाइंग फैक्टर अक्रॉस द नेटवर्क कि एक विज़न बड़ा क्लियर होता है कि जिसके तहत ये फैसला किया जाता है कि नॉलेज मैनेजमेंट के काम को हमने एक प्रायोरिटी देनी है नॉलेज तो मैनेजमेंट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन का विज़न बड़ा क्लियर होता है और वो उनके कामों से उनकी एक्टिविटीज़ से उनके फंक्शन से नज़र भी आता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स आर इंडिपेंडेंट येट इंटरडिपेंडेंट अपने अपने सेक्शन में इंडिविजुअल्स अपने अपने हिस्से का काम करते हैं लेकिन वो सारा काम मिल के तो नॉलेज मैनेजमेंट के साइकिल को पूरा कर रहा होता है कि वो बाहिर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं लेकिन असल में वो अपने सारे काम को एक जगह जमा करके नॉलेज uh, मैनेजमेंट के साइकिल के डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं या डिफरेंट जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं बाउंड्री बस्टिंग होती है इसमें बाउंड्री बस्टिंग क्या है कि जो एक बाउंड्री है उसको तोड़ने का एक कल्चर होता है कि बाउंड्री से बाहर निकला जाए ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल साइलोज़ कि एक सेक्शन में जो काम हो रहा है वो एक साइलो की तरह नहीं होता वो एक अलग थलग काम नहीं होता उस काम को दूसरों के साथ भी शेयर किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग उस काम को समझते हैं कि कौन सा सेक्शन कौन सा काम कर रहा है तो इसमें यह है कि बाउंड्री बस्टिंग इज़ अचीव्ड थ्रू कॉन्शियस अटेंशन टू ब्रिजिंग मैकानिज़म्स के डिफरेंट सेक्शंस में होने वाले काम को आपस में ब्रिज किया जाता है इसका कोई सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे नॉलेज की शेयरिंग के नतीजे में लोग एक दूसरे के काम को समझते हैं इसमें फिर यह है कि कम्यूनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस मौजूद होती हैं कि जो प्रोवाइड करती हैं एन इफेक्टिव वे ऑफ नॉलेज शेयरिंग नॉलेज नेटवर्किंग एकरॉस एन ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं और उसकी जो बेहतरीन मिसाल होती है वो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है उसके बाद वर्चुअल टीम्स आर ऑफन द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वेयर द कोर वर्क टेक्स प्लेस ये वर्चुअल टीम्स होती हैं कि जो ऑनलाइन रबता करती हैं एक दूसरे के साथ और वो इस नॉलेज मैनेजमेंट के काम को लेके चल रही होती हैं इसमें Uh, जो के एम है वो एक सेपरेट बिजनेस यूनिट के अंदर भी होता है इन समर्गनाइजेशनस देर इज़ अ सेपरेट के एम यूनिट एक यूनिट की शक्ल में अलग बना दिया जाता है इन मैनी केसेस के एम यूनिट्स आर स्पिन ऑफ्स ऑफ एक्जिस्टिंग यूनिट्स सच एज़ द लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट्स अब यहाँ स्पिन ऑफ का मतलब ये है कि एक ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट के अंदर तोड़ फोड़ करके या उसको रीस्ट्रक्चर करके वजूद में लाया गया हो तो आमतौर पे होता ही है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में लाइब्रेरी को कन्वर्ट कर दिया गया नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो शोबा था उसको कन्वर्ट कर दिया गया या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के शोबे को तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को उसको कन्वर्ट कर दिया गया नॉलेज मैनेजमेंट के सेक्शन में अदर के एम यूनिट्स हैड एम्प्लॉइज फ्राम ऑल की बिज़नेस यूनिट्स सर्विंग एज मम्बर्स और बाज ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि मेम्बर्स अपने अपने शोबे में काम करते हैं लेकिन वो सारे मिल के तब नॉलेज मैनेजमेंट का जो साइकिल है उसको चला रहे होते हैं उसके उसके डिफरेंट स्टेप्स को अपने अपने अंदाज में पूरा कर रहे होते हैं